कोरोना संक्रमण से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में दुबके पड़े हैं। सरकार का दावा है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में अपेक्षित सफलता हासिल हुई है, लेकिन इसी लॉकडाउन का साइड इफेक्ट लोगों पर बेरोजगारी के रूप में पड़ा है। कटिहार में लॉकडाउन से परेशान मजदूर ने आर्म्स उठाकर वारदात को अंजाम देने की सोची, लेकिन अपराध को अंजाम देने से पहले कानून के हत्थे चढ़ गया। इसी कड़ी में कटिहार पुलिस ने अवैध आर्म्स के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए कटिहार सदर SDPO अमरकांत झा ने कहा कि जिले के डंडखोरा थाना पुलिस अपने रूटीन गश्त कर रही थी। इसी दौरान मेलवाशा रेलवे गुमटी के पास दो व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देख भागने लगे। पुलिस के जवानों ने पीछा कर दोनों व्यक्तियों को पकड़कर छानबीन की तो आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा और दो गोली बरामद हुई। आरोपियों की शिनाख्त शौकत राय, फलका और कासिम सहायक थाना क्षेत्र के रहने वाले के रूप में हुई है। 31/5/21 को डनपुरा थाना अध्यक्ष दिन में गश्ती में वाहन चेकिंग वगैरह में निकले हुए थे। इसी क्रम में करीब 1:30 बजे में मेलवाशा रेलवे गुमती के पास दो व्यक्ति पुलिस को देखकर अचानक संदिग्ध लग रहा था, जिसको खदेड़ करके इन्होंने पकड़ा। तो जो दोनों है वह एक अपना नाम शौकत राय, जो लक्ष्मीपुर फलका का निवासी है, दूसरा मोहम्मद कासिम बताया जो शरीफगंज का निवासी है। उस दोनों के पास तलाशी ली गई तो एक पिस्तौल और दो गोली बरामद हुआ। इस संबंध में गिरफ्तार किया गया और ऐसा लग रहा है कि उधर पूछने पर भी बताया है जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में पैसे की दिक्कत है, इसलिए अपराध करने के उद्देश्य से गया था। कौन है सर ये तो अपराध का, ये इसका इतिहास अभी तत्काल हम लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग खंगालने के चक्कर में है। और ये स्पष्ट लग रहा है कि दोनों दो जगह का है, एक फलका का है और एक दोनों कैसे मिला, हम लोग इसमें और पूछताछ कर रहे हैं और इसका अपराध भी खंगाल रहे हैं। लेकिन जैसा ही पूछने पर बताया है जो लॉकडाउन में पैसे की दिक्कत थी, इसके चलते ही अपराध करने के उद्देश्य से डनखोरा निकला था, लेकिन हमारी पुलिस जो है काफ़ी सक्रिय थी, जिस सक्रियता के चलते ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है। सबके पास से अवैध पिस्तौल और दो गोली भी बरामद हुआ। सर, इसका जो कबूलनामा आया है लॉकडाउन के कारण इसका काम बाधित हो गया सर, तो अब पुलिस इस तरह का जो बाहर से लोग आए इसको लेकर कितना सतर्क है, ये कितना अपराध बढ़ सकता है, इससे क्या लगता है? लॉकडाउन में तो हम लोग भी देखे हैं जो कुछ अपराध बढ़ता है, क्योंकि बाहर से बहुत लोग हैं, नहीं है तो चाहते हैं कि किसी माध्यम से हम लोग कर लें, लेकिन पुलिस सक्रिय है। हम लोग हर केस को उद्भेदन का प्रयास किए हैं और हम लोग उद्भेदन करते रहे हैं और हम लोग करते रहेंगे और हमारी पुलिस काफ़ी सक्रिय है, क्योंकि लोगों को जागरूक भी करेगी पुलिस। हाँ, हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जो लोग सक्रिय रहें और लोग निकले तो पुलिस को सूचना दें, जैसे पैसे की आवागमन में पुलिस की सूचना दी, सब की मीटिंग थाना स्तर पर भी हो रही है। तो हम लोग सक्रिय हैं और एवरी डे हमारे 10 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक हमेशा हर थाना के पुलिस जो है रोड पर रह करके और वाहन चेकिंग और चेकिंग कर रहे हैं। सर, ये लोग बता रहे हैं कि कुल 3 व्यक्ति थे जिसमें एक फरार है। नहीं, यहाँ जो हमारी पुलिस पकड़ी वहाँ 2 ही व्यक्ति थे और दोनों पैदल ही थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्त में आए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो सभी लॉकडाउन से परेशान थे, कामकाज मिल नहीं रहा था जिससे घर का गुजारा हो सके। पंजाब केसरी TV के लिए कटिहार से राजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।